हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक स्मार्ट ईट स्मार्ट। आज हम बनाएंगे वेज कसाडिया। वेज कसाडिया एक मैक्सिकन रेसिपी है। इस रेसिपी में हमने बहुत सारे वेजिटेबल्स का उपयोग किया है। इसमें हमने डाला है पनीर और बहुत सारी चीज़। ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन को गर्म करने के लिए रखेंगे, फिर हम उसमें डालेंगे एक चम्मच तेल। उसके बाद हम डालेंगे बटर 20 ग्राम, बटर जैसे ही थोड़ा गर्म हो उसके बाद हम डालेंगे कटा हुआ लहसुन तो हम अच्छी तरह से बटर में सौते कर लेंगे। फिर हम डालेंगे दो कटे हुए प्याज। प्याज को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। प्याज को भूनने के लिए हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। हमारा प्याज भून चुका है। अब हम डालेंगे एक कटा हुआ गाजर। गाजर को हमने फाइन चॉप कर लिया है। गाजर को अच्छी तरह से पका लीजिए। हमारे गाजर पक चुके हैं। अब हम डालेंगे शिमला मिर्च, लाल, पीला और हरा। सभी शिमला मिर्च को हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब हम सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे बॉइल कॉर्न 1/4 कप। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब हम पैन को ढक लेंगे और सब्जियों को अच्छी तरह से पका लेंगे। अब हम डालेंगे ग्रेटेड पनीर 200 ग्राम। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची 1 छोटा चम्मच। उसके बाद हम डालेंगे ऑरेगानो 1 चम्मच, रेड चिली फ्लेक्स 1 चम्मच और नमक स्वाद के अनुसार। सभी चीजों को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। हम यहाँ पे टमाटो केचप डालना भूल गए थे तो आप अभी इसे मिला दीजिए। हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है। रोटी बनाने के लिए अब हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। अब हम डालेंगे 1 कप मैदा। उसे भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे। इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 2 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। पानी की सहायता से हम इसका अच्छी तरह से आटा गूंद लेंगे। आटा थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। हमारा आटा बन चुका है। इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस आटे से रोटियां बेलेंगे। रोटियां हमें थोड़ी पतली बेलनी है। जैसे ही रोटी बेल लेंगे उसे हम तवे पे दोनों तरफ से सेक लेंगे।
हमारी रोटी रेडी है। अब हम एक रोटी लेंगे, उस पे हम प्रोसेस चीज डालेंगे। अब हम स्टफिंग लगाएंगे अपने स्वाद के अनुसार। अब हम डालेंगे मोज़रेला चीज। चीज डालने के बाद हम दूसरी रोटी लेंगे और उसे अच्छी तरह से हम पैक कर लेंगे। अब हमें इस रोटी को दोनों तरफ बटर लगा के सेक लेना है। हमें रोटी को अच्छी तरह से सेकना है। हमारी रोटी रेडी हो चुकी है। अब हम कसाडिलास को एक प्लेट पे रखेंगे और उसे कट करेंगे और फिर गर्मा गर्म टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे।